प्रेरणा कथा। क्या आप भगवान हैं? एक बार एक बड़ी कंपनी के बिक्री विभाग के कुछ अफसर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो जा रहे थे। वो सभी अपने परिवार वालों से कह के जा रहे थे कि वो शुक्रवार की शाम तक वापस आ जाएंगे। वो सभी बहुत ही जल्दी में थे क्योंकि उनको जहाज पकड़ना था। टैक्सी से उतरकर वो भीड़ में तय होते हुए विमानस्थल की तरफ बढ़ने लगे। बहुत ट्रैफिक होने के कारण उन्होंने अपनी टैक्सी बाजार में ही छोड़ दी थी। उनमें से एक अफसर ने जल्दी में ध्यान नहीं दिया कि ठीक उसके सामने एक स्थान पर बहुत सी सुंदर सुंदर टोकरियों में सेब सजाए हुए थे। गलती से उसको ठोकर लगी और वो उन टोकरियों पर गिर पड़ा और सभी सेब जमीन पर बिखर गए। क्योंकि उन सभी को जहाज पकड़ने की जल्दी थी, वो बिना सेब उठाए ही भागने लगे और किसी तरह समय पर विमान स्थल पर पहुंच गए। उन अफसरों में से एक अफसर रुक गया, उसकी ठोकर से ही सेब गिरे थे। वो रुका और उसने लंबी सांस ली और कुछ सोचने लगा। उसको सेब बेचने वाली वो छोटी सी लड़की याद आई। उसने अपने मित्रों से कहा, तुम लोग जाओ और जहाज में बैठो, मैं नहीं जा रहा। मेरी पत्नी को फोन कर देना कि मैं बाद में आ जाऊंगा। वो मुड़ा और दौड़कर उस स्थान पर गया जहां पर सेब ही सेब बिखरे हुए थे। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची जब उसको मालूम हुआ कि वो सेब बेचने वाली 12 या 13 वर्ष की लड़की अंधी थी। वो धीरे धीरे रो रही थी और उसके गालों पर उसके आंसू लुढ़क रहे थे। वो जमीन पर इधर उधर अपने हाथों से अपने सेबों को ढूंढ रही थी। बहुत से लोग उसको देख रहे थे परंतु कोई भी रुककर उसको मदद नहीं कर रहा था। कंपनी का वो अफसर जमीन पर उसके निकट ही झुक गया और जल्दी जल्दी उसके सेब इकट्ठे करने लगा। उसने कुछ ही समय में सभी सेब उस लड़की की टोकरियों में सजा दिया। काम पूरा होने के बाद उसने अपनी जेब में से $30 निकाले और लड़की के हाथ में पकड़ा दिए और कहा, ये तुम्हारे नुकसान की पूर्ति के लिए है, ये पैसे ले लो, तुम ठीक तो हो? उस लड़की ने सर हिलाकर बताया कि वो ठीक थी। उस अफसर ने फिर कहा, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। जैसे ही वो अफसर मुड़कर जाने को हुआ, उस लड़की ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, सुनिए। वो अफसर वहीं रुक गया और उसकी अंधी आंखों में देखने लगा। उस लड़की ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्या आप भगवान हैं? वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया और उस लड़की के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद जब वो विमान स्थल पर अगला जहाज पकड़ने को पहुंचा, उसके कानों में उस लड़की के शब्द गूंज रहे थे, क्या आप भगवान हैं? मित्रों, कितनी अजीब बात है कि हमारे छोटे छोटे उदारता के काम हमको कुछ ज़रूरतमंद लोगों की नज़रों में भगवान बना देते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान अब सिर्फ ज़रूरतमंदों, गरीबों और दिव्यांगों को ही याद रह गया है। हो सके तो आप भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों की अवश्य सहायता कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।